हेलो, माय सेल्फ डॉक्टर एम के गोखरू, डिपार्टमेंट मैथमेटिक्स, गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर। वेक्टर कैलकुलस में हमने अवकल संकारक, ऑपरेटर्स के बारे में बात की थी। एक बेसिक ऑपरेटर टेल के बारे में बात की थी, उसके बाद ए डॉट टेल के बारे में बात की थी, फिर ग्रेडियंट के बारे में बात की थी और डायरेक्शनल डेरिवेटिव्स को किया था। डायरेक्शनल डेरिवेटिव क्या है, वो डायरेक्शनल डेरिवेटिव के बारे में हमने बात की थी। फिर एक और दो थ्योरम डायरेक्शनल डेरिवेटिव और इसके संबंध में किया था। आज कुछ और आगे बढ़ते हैं इसमें। डायरेक्शनल डेरिवेटिव के भी ग्रेड एफ हमने ये किया था कि ग्रेड एफ हमेशा जिस सरफेस पे है उस सरफेस के नॉर्मल की तरफ होता है, ये हमने बताया था। आज नेक्स्ट थ्योरम, इफ एनके एनके यूनिट नॉर्मल वेक्टर, एनके सरफेस के नॉर्मल में यूनिट वेक्टर है टू द लेवल सरफेस, यानी जैसे कोई भी सरफेस है, सपोज करिए ये सरफेस है, इसको थोड़ा सा बेंड कर लेते हैं, ये सरफेस है, सीधा भी हो सकता है, प्लेन ही जाल्सो है सरफेस, और ऐसा भी हो सकता है। तो सरफेस पे ये पॉइंट है, इस पॉइंट पे नॉर्मल में, तो इस डायरेक्शन में ये नॉर्मल डायरेक्शन हो गया, इस नॉर्मल डायरेक्शन में एक वेक्टर एन केप है, एन केप यूनिट नॉर्मल वेक्टर एन केप है, और वर्तमान दिशा में लेवल सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी। लेवल सरफेस क्या है, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू, इस लेवल सरफेस पे, ये लेवल सरफेस है पूरा का पूरा, इस लेवल सरफेस, इस लेवल सरफेस पे ये नॉर्मल वेक्टर है। अब इस नॉर्मल वेक्टर पे एट पॉइंट पी, ये पी पॉइंट है, इस पी पॉइंट पर डायरेक्शन ऑफ एफ इंक्रीजिंग, एफ के डायरेक्शन इंक्रीजिंग, एन बी दी डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ए, यानी ए कोई फिक्स पॉइंट यहाँ पीछे है जहाँ से हम डिस्टेंसेज मेजर करें, ए फिक्स पॉइंट से यहाँ तक की दूरी जो वेक्टर बनता है वो पी ए वेक्टर हो गया, तो ए से दूरी से एन केप की दिशा में पी की दूरी है, यानी ये जो है ग्रेड एफ इज नथिंग बट बी एफ ओवर डी एन एन के, एन के की तरफ डी एफ ओवर डी एन, ये है नॉर्मल। तो ये थ्योरम इस तरह से, इफ एन के बी द यूनिट नॉर्मल वेक्टर टू द नॉर्मल टू द लेवल सरफेस एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी एट ए पॉइंट पी इन द डायरेक्शन ऑफ एफ, एफ इंक्रीजिंग इंक्रीजिंग एंड एन विद द डिस्टेंस ऑफ पी फ्रॉम द फिक्स पॉइंट ए, फिक्स पॉइंट ए से पी की दूरी, जैसे पी ये है तो इस पी की ए से दूरी, यहां से ये दूरी, तो नॉर्मल भी इसी डायरेक्शन में, नॉर्मल सपोज करो सरफेस ऐसा है, ये नॉर्मल, मैं इसको थोड़ा सा इधर ले लेता हूँ, ये ए है, अब नॉर्मल तो इस डायरेक्शन में है और ये वेक्टर ए पी नॉर्मल एन के इस डायरेक्शन में, इसका इस डायरेक्शन में कंपोनेंट वो ग्रेड एफ ये होगा डी एफ ओवर डी एन इनटू डेट एन के यूनिट नॉर्मल वेक्टर। अब ग्रेड एफ के बारे में हम जानते हैं कि ग्रेड एफ किधर होता है, ग्रेड एफ इज लैम्डा एन के यूनिट नॉर्मल के डायरेक्शन में, हमने कहा था कि सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में नॉर्मल की तरफ ग्रेड एफ होता है, तो इस ग्रेड एफ को हम कह सकते हैं लैम्डा एन के। और इसके बाद में दूसरा जो हमने थ्योरम नंबर वन किया था, थ्योरम नंबर वन में ए के की डायरेक्शन में ये ग्रेड एफ, एक तो रिजल्ट ये है, दूसरा रिजल्ट ग्रेड एफ डॉट एन के, वहां ए के था यहां एन के की डायरेक्शन में, ग्रेड एफ डॉट एन के इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी एन है, ये हमने रिजल्ट प्रूव किया था थ्योरम नंबर वन में कि ए केप की दिशा में जो ये आएगा डेल एफ अपॉन डेल एस, एस क्या है सरफेस में मेजर की गई डिस्टेंस थी,
तो यहां डेल एन डी एन उसी से रिलेटेड है। तो यहां दोनों को अगर लैम्डा एन, मैं इस रिजल्ट की बात करूं लैम्डा ग्रेड एफ की जगह मैं ये लैम्डा एन रखूं, तो लैम्डा एन, लैम्डा एन के डॉट एन के इक्वल टू क्या होगा, डीएफ अपॉन डी एन, डीएफ अपॉन डी एन इस, तो लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो गया यहां से एन डॉट एन के, एन के डॉट एन के, और ये तो वन हो गया ए डॉट ए, और ये यूनिट नॉर्मल है तो वन वन कॉस जीरो यानी वन हो गया, और दिस दिस इंप्लाइज लैम्डा इज इक्वल टू डी एफ ओवर डी एन। तो लैम्डा की वैल्यू ये आ गई मेरे पास, तो इस हिसाब से ग्रेड एफ क्या होगा, यहां लैम्डा की वैल्यू पुट कर दूं तो यहां से लैम्डा की वैल्यू पुट करने पर ग्रेड एफ क्या हो गया, लैम्डा इज डी एफ ओवर डी एन सॉरी एन एन के, ये आ गया हमारे पास ग्रेड एफ, यानी यूनिट नॉर्मल, ये ग्रेड नॉर्मल वेक्टर टू द सरफेस कैन कैन आल्सो बी रिटन एज डी एफ ओवर डी एन एन के, ये एक थ्योरम। सेकंड इसका नेक्स्ट थ्योरम है इफ ग्रेड एफ, ग्रेड एफ इज वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एफ अपॉन डी एस डायरेक्शनल डेरिवेटिव, डी एफ अपॉन डी एस जो डायरेक्शनल डेरिवेटिव है, इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की दिशा में मैक्सिमम डायरेक्शनल डेरिवेटिव मैक्स इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एफ अपॉन डी एस अकर्स, ग्रेड एफ इज ए वैक्टर, ग्रेड एफ क्या है, जैसा मैंने बताया था कि सरफेस के नॉर्मल में है, एफ एक्स वाई जेड इज इक्वल टू सी, लेवल सरफेसेस, लेवल सरफेस के नॉर्मल के डायरेक्शन में है। इसी चीज को हम दूसरे वे में ये भी कह सकते हैं, ग्रेड एफ, ग्रेड एफ इज ए वेक्टर इन द डायरेक्शन इन विच द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ डी एफ अपॉन डी एस डायरेक्शनल डेरिवेटिव, इस डायरेक्शनल डेरिवेटिव की मैक्सिमम वैल्यू जिस तरफ हो वह उसी तरफ ग्रेड एफ होगा। तो डी एफ अपॉन डी एस को मैं लिख सकता हूं डी एफ और डी एस कैन बी रिटन एज ग्रेड एफ, अभी अभी लिखा ही था ग्रेड एफ इससे पहले वाले थ्योरम में एन के, और ग्रेड एफ में इससे जस्ट पहले वाले थ्योरम में हमने ये प्रूव किया था कि दिस इज नथिंग बट डी एफ ओवर डी एन एन के ग्रेड एफ एन डॉट एन के, इन एन एन के डॉट एन के ये क्या हो गया, अगर ए की डायरेक्शन में मैक्सिमम डायरेक्शन यानी ये जो लेवल सरफेस है इस लेवल सरफेस के इस डायरेक्शन में यूनिट नॉर्मल वेक्टर है, और डी एफ ओवर डी एस इस डायरेक्शन में, डी एफ ओवर डी एस इस डायरेक्शन में है, तो एन केप के डायरेक्शन में इसको ए केप कह देते हैं, ए केप की डायरेक्शन में ये है, तो ग्रेड एफ, ग्रेड एफ तो इस डायरेक्शन में आएगा, और डी एफ अपॉन डी एस यानी ए केप की डायरेक्शन ये यूनिट नॉर्मल की डायरेक्शन, ए वेक्टर की डायरेक्शन, तो ए वेक्टर की डायरेक्शन के आधार पर ये लिख दूं मैं ए के, तो यहां से क्या आ गया डी एफ अपॉन डी एन इंटू एन केप डॉट ए के, अब एन एन केप डॉट ए केप, ए केप का कंपोनेंट इस तरफ वो कॉस थीटा एंगल बनाता है सपोज करिए, तो ये यूनिट वेक्टर है, तो ये क्या हो गया डी एफ अपॉन डी एन कॉस थीटा, एंड जब ये कॉस ये मैक्सिमम, ये वैल्यू मैक्सिमम कब होगी डी एफ अपॉन डी एन, मैक्सिमम होगी जब थीटा इज इक्वल टू जीरो, कॉस थीटा इज इक्वल टू जीरो, और थीटा के जीरो होने पर डी एफ अपॉन डी एस का मैक्सिमम मान आ जाएगा, व्हेन थीटा इज इक्वल टू जीरो this will be equal to 1 and df upon ds will be equal to df upon dn, तो maximum direction में और ग्रेड f का, तो ग्रेड f क्या हो जाएगा उस केस में ग्रेड f का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा df upon dn, df upon dn ग्रेड f का मैग्नीट्यूड इससे आ जाएगा मैक्सिमम, इससे ये तो न्यूमेरिकल वैल्यू है df upon dn जब वैन थीटा इज इक्वल टू जीरो, तो हम कह सकते हैं कि ग्रेड एफ
पहली बात, ग्रेड एफ सरफेस के नॉर्मल की डायरेक्शन में होता है। अगर कोई किस तरफ किसी और डायरेक्शन में ए गैप यूनिट वेक्टर है, तो इसका कंपोनेंट, मैक्सिमम कंपोनेंट जो होगा वो ग्रेड एफ की तरफ होगा। ये दो थ्योरम है जिसको हमें ध्यान से देखना है। फिर उसके बाद में टेंजेंट प्लेन एंड नॉर्मल की बात करें। टेंजेंट प्लेन और नॉर्मल जब ये ग्रेड एफ वाला फिनोमेना हमारे समझ में आ गया, ये लेवल सरफेस एफ एक्स वाई जेड, एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू सी, ये लेवल सरफेस है। इस एफ एक्स वाई जेड सी को एफ ए बी सी कह देते हैं, यानी पी पॉइंट। इस पी पॉइंट का पोजीशन वेक्टर किसी ओरिजिन के रेस्पेक्ट में पी पॉइंट का पोजीशन थोड़ा सा कहेगा पी ए, इस पॉइंट ये ओरिजिन है और इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ए बी सी है। तो लेवल सरफेस के इसके हिसाब से ए बी और सी इस पॉइंट के लिए, पी पॉइंट के लिए ये ए बी सी इज इक्वल टू सी कॉन्स्टेंट के कह देते हैं। ये पूरा सरफेस है और ए बी सी के लिए, तो ये वेक्टर क्या बन जाएगा, दिस वेक्टर इज ए आई प्लस बी जे प्लस सी के, ए आई बी जे और सी के लेना भी आर के, आर जीरो कहते हैं इसको, आर जीरो ये कह दिया। अब मुझे टेंजेंट प्लेन चाहिए। टेंजेंट प्लेन का मतलब ये सरफेस है, इस सरफेस पे मुझे टेंजेंट प्लेन, टेंजेंट प्लेन तो यही होगा जिस तरफ टेंजेंट खिंच जाए, जिस डायरेक्शन में टेंजेंट का लोकस निकल जाए वो टेंजेंट प्लेन हो जाएगा। तो इस डायरेक्शन में क्या होगा, आर इस डायरेक्शन में एक और वेक्टर ले ले, आर सपोज करो इस डायरेक्शन में नेक्स्ट पॉइंट क्यू ले ले, पी और क्यू, क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसी तरह से आर, इस वेक्टर आर को ये कहें आर इक्वल टू एक्स आई, यानी इस क्यू पॉइंट के कोऑर्डिनेट एक्स वाई और जेड है, तो ये हो गया एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के, एंड इन दैट केस ये जो टेंजेंट लाइन बनेगी, ये लाइन इसी टेंजेंट प्लेन में होगी, तो आर माइनस आर जीरो इज नथिंग बट आई एक्स माइनस ए प्लस जे वाई माइनस के वाई माइनस बी प्लस के जेड माइनस सी, ये आ जाएगा आर माइनस आर जीरो। ये एक वेक्टर होगा, आर माइनस आर जीरो इज वेक्टर, दिस वेक्टर इज पी क्यू लाइन इन द प्लेन टेंजेंट प्लेन, उस प्लेन का या इसका लोकस ले लें। तो हम एक चीज जानते हैं कि आर इज इक्वल टू डेल एफ क्या होगा, डेल एफ ग्रेड एफ, ग्रेड एफ इज इक्वल टू डेल एफ इज इक्वल टू आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे, इस क्यू पॉइंट इज वेरी नियर टू पी लिमिटिंग केस में, तो आई डेल एफ ओवर डेल एक्स प्लस जे डेल एफ ओवर डेल वाई प्लस के डेल एफ ओवर डेल जेड, ये हमेशा लिखते आए हैं डेल एफ के साथ ग्रेड एफ इक्वल टू दिस। तो अब देखिए, ये तो आपका r माइनस आर जीरो ये वेक्टर हो गया, और ग्रेड वेफ हम जानते हैं कि नॉर्मल टू दी सरफेस होता है, तो ये आपस में दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो ये वेक्टर और ये वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, तो डॉट प्रोडक्ट क्या होगा इन दोनों का, डॉट प्रोडक्ट जीरो होगा। सो r माइनस आर जीरो, आर माइनस आर जीरो डॉट डेल एफ इज इक्वल टू जीरो गिव्स अस द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट प्लेन, ये टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन आ जाएगा। और नॉर्मल में उस केस में क्या होगा, नॉर्मल वाले केस में आर माइनस आर जीरो के परपेंडिकुलर और ये डेल एफ, तो क्रॉस प्रोडक्ट जीरो हो जाएगा, आर माइनस आर जीरो क्रॉस डेल एफ इज इक्वल टू जीरो विल गिव अस द नॉर्मल लाइन, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल लाइन, आर माइनस आर जीरो क्रॉस डेल एफ इज इक्वल टू जीरो इज द इक्वेशन ऑफ दिस नॉर्मल लाइन, इस नॉर्मल लाइन का, यानी इस नॉर्मल, यहां टेंजेंट के केस में हमें ये पॉइंट एक्स वाई जेड यहाँ चूज किया था, नॉर्मल के केस में ये पॉइंट एक्स वाई जेड नॉर्मल के डायरेक्शन में चूज करेंगे, तो आर माइनस आर जीरो ये वेक्टर, आर माइनस आर जीरो और डेल एफ आपस में पैरेलल होंगे, और पैरेलल होने के कारण क्या होगा,
इनका क्रॉस प्रोडक्ट जीरो होगा, और क्रॉस प्रोडक्ट जीरो, ये इक्वेशन नॉर्मल लाइन का इक्वेशन हो गया, ये इक्वेशन टेंजेंट प्लेन का इक्वेशन हो गया। ये दोनों चीजें ध्यान रखें। नेक्स्ट आगे कुछ क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट टर्न पे। धन्यवाद।